Good morning everyone, welcome to the official trip channel of our 24/7 regulatory bodies and so my name is Amanjot and today we are here to discuss the live mean newspaper analysis of 12th of September. ठीक है, आज के newspaper का analysis हम करते हैं. So from the last 3 days अगर हम बात करें Friday and Saturday, I think last 2 days Friday and Saturday को हमारा session नहीं हुआ था. So Friday और Saturday की जितनी भी news है उसको हम discuss करेंगे. Tomorrow आपका ट्यूसडे को हम वो डिस्कस करेंगे. सेशन का टाइमिंग क्या होने वाला है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी ऑन द चैनल. आपका जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. सो जो भी सेशन हमारे नहीं हुए हैं रिगार्डिंग लाइव मीन न्यूज़पेपर एनालिसिस, डोंट वरी अबाउट इट, कल हम उसको कवर कर लेंगे. चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सभी लोग, कैसा रहा आप लोगों का वीकेंड एंड व्हाट यू हैव डिड, क्या किया, क्या पढ़ा, क्या रिवाइज किया आप लोगों ने. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्त कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक Adda247 एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डू डाउनलोड दी एप्लीकेशन. ऑल्सो यहाँ पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद सब्जेक्ट वाइज क्विजेस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ये एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू मेक अ लिमिटेड टाइम पीरियड. यानी कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कैसे अटैम्प्ट करने, क्या मैथड हो सकता है अटैम्प्ट करने का, वो सिखाता है. सो आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हो, अगर फुल लेंथ मॉक देने का टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम 1.5 आवर नहीं दे सकते या 2 आवर्स नहीं दे सकते हैं RBI ग्रेड बी के, देन यू कैन गो विद द सब्जेक्ट वाइज क्विजेस कि अभी आप सब्जेक्ट वाइज क्विजेस के साथ स्टार्ट करिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़िए. रिविजन किया हमने, दैट्स वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं Adda247 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल की. तो जब तक अभी तक किसी ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यहीं पे आपके सभी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, जो भी सेशंस की रिक्वायरमेंट आपकी है वो सारी पूरी होंगी. तो आज हम डिस्कस करेंगे 12th of September का लाइव मीन. स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से. आज की न्यूज़ काफ़ी अच्छी अच्छी है हमारे पास. जैसे कि बात करें मिस्टर जयशंकर की, तो मिस्टर जयशंकर हाईलाइट्स वंदे भारत मिशन इन सऊदी अरेबिया. मिस्टर जयशंकर ने यहाँ पे वंदे भारत मिशन को हाईलाइट किया है इन सऊदी अरेबिया. देखो ये है क्या. चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है. ड्यूरिंग द ग्लोबल COVID-19 पैंडमिक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन द वंदे भारत मिशन इंक्लूडिंग एयर बबल अरेंजमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे क्या था, टू फैसिलिटेट ट्रेवल ऑफ पैसेंजर्स बिटवीन इंडिया एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. तो पैंडमिक के टाइम पर हमें पता ही क्या सिचुएशन थी, तो उस पैंडमिक में जो लोग फंसे हुए थे उनको उनकी जगह तक पहुंचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए हमने स्टार्ट किया था वंदे भारत मिशन को, जो कि इंक्लूड करता है आपका एयर बबल अरेंजमेंट को भी. इसी पैसेंजर्स के थ्रू, इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू, मिशन के थ्रू हम पैसेंजर्स को यहाँ लेकर आए थे. तो ये सऊदी अरेबिया में स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा समझते हैं. तो सबसे पहले चीज़ अगर हम बात करें मिस्टर जयशंकर की, तो मिस्टर जयशंकर कौन है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं. तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर हु इज़ ऑन two-day visit to Saudi Arabia said India has brought back the 7 million people under the Vande Bharat mission. कितने लोगों को इंडिया वापस लेकर आया, 7 million peoples को लेकर आया from all over the world. He called it biggest evacuation drive which was done during the COVID-19 times. और ये अब तक का सबसे बड़ा evacuation है जो हमारी कंट्री के थ्रू किया गया था under the Vande Bharat mission. आगे देखो, interacting with the Indian community in Riyadh, Mr. Jaishankar said that we brought back 7 million people under Vande Bharat Mission, जो कि इंडिया वर्ल्ड में अब तक का सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है. No one has done that. It's the biggest evacuation कि आज तक कभी ऐसा किसी ने नहीं किया है. और that says India that world sees today. और ये वो भारत है जिसको आज के दिन बॉर्न देख रहा है, आपका वर्ल्ड देख रहा है. ठीक है, तो यह बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारी कंट्री के लिए रहा है कि एट द टाइम ऑफ पैंडमिक हमने इतने सारे लोगों को इवैक्यूएट करवाया है. नाउ रिसेंटली आपका जो स्टेट मिनिस्टर हैं दैट इज मिस्टर वीके सिंह टोल्ड द राज्यसभा दैट द यूनियन गवर्नमेंट्स वंदे भारत मिशन हेल्प द रिपेक्रेट 72 लाख स्ट्रैंडेड इंडियंस फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज एम दी पैंडमिक. साथ ही में अगर हम बात करें 29 की अगर हम बात करते हैं 2021 में, सो मोर देन 88,700 100 inbound flights have been opened and over 72 lakh passengers have returned to India from more than 100 countries. So in the same period more than 88,000 outbound flights जो थी आपकी वो operate की गई, उसमें 58 passengers को लाया गया from India to foreign countries, he added. So India started Vande Bharat mission on 7th of May 2020 to bring back its citizens कहाँ से from the डिफरेंट स्टैंडर्ड अब्रॉड. सो यहाँ पे वंदे भारत मिशन को स्टार्ट ही हमारा पैंडेमिक के अंदर किया गया था ताकि हमारी कंट्री के लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको लाया जा सके. सो इनिशियली एयर इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी एयर इंडिया एक्सप्रेस carried out these operations before private airlines were allowed to take part. So besides aerial evacuation, naval ships were also used to bring back Indian citizens. कि सिर्फ एयर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू नहीं बल्कि हमने नेवल शिप्स को भी यूज़ किया था इंडियंस को वापस लाने के लिए. अच्छा, डू लेट मी नो वन थिंग, सब्सिडी क्या होता है जल्दी से बता दो. वी हैव डिस्कस दिस टर्म, हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें पता है, रिवीजन कर लेते हैं एक बार. तो जल्दी से राइट डाउन कर दो इन द कॉमेंट सेक्शन व्हाट इज सब्सिडी. सो आफ्टर दिस इंडियंस हैज़ फॉर्म्ड एयर बबल पैक्ट्स विद द अराउंड 27 कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, द UAE, द केन्या, द भूटान एंड फ्रांस. इन सभी कंट्रीज के साथ क्या कर चुका है इंडिया, आपका एयर बबल पैक्ट साइन कर चुका है. सो अंडर द एयर बबल पैक्ट बिटवीन टू कंट्रीज स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैन बी ऑपरेटेड बाय देयर एयरलाइंस बिटवीन देयर टेरिटरीज. तो ये एयर बबल पैकेज है क्या कि दो कंट्रीज हैं जिनके साथ आपका इंडिया ने टाइप किया है, जिन भी कंट्रीज के साथ इंडिया ने टाइप किया है उन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी आपके फ्लाइट ट्रेवल्स रहेंगे, एयरलाइंस रहेंगे, उनको यहाँ पर ऑपरेट किया जाएगा, स्पेशल इंटरनेशनल फ्लाइट चलाई जाएंगी उन पर्टिकुलर कंट्रीज के बीच में. यही है आपका एयर बबल. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी के टू विजिट द उज्बेकिस्तान टू अटेंड द SCO समिट. SCO के बारे में आप जानते हो, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका एक कॉर्पोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया, जिनको हम बोलते हैं हमारी ब्रिक्स कंट्री. तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ तो मिस्टर मोदी जो हैं वो विजिट करने वाले हैं उज्बेकिस्तान को ऑन 15 और 16 सितंबर को टू अटेंड द SCO समिट. किसकी समिट अटेंड करने के लिए? SCO की समिट अटेंड करने के लिए. नाउ द संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट इज scheduled to take place at Samarkand in Uzbekistan on 16 September. So Mr. Modi is going to travel for the SCO summit, जो कि first in-person SCO summit होने वाली है, to be held after 2019 in Bishkek, Kyrgyzstan. तो जो बिश्केक किर्गिस्तान है वहाँ पे आपका लास्ट फिजिकल समिट हुआ था और अब जो है वो होने वाला है नेक्स्ट फिजिकल समिट आपका उज्बेकिस्तान में, जिसको अटेंड करने जाने वाले हैं मिस्टर मोदी. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Now next thing is Mr. Modi is scheduled to arrive in Samarkand on 14th of September and return on 16th of September. Apart from PM Modi, our other heads of states including Chinese President, Russian President, then Pakistan Prime Minister, then Iranian President, all are expected to come to the summit. So why SCO Samarkand summit significant for India? क्या benefit है, क्यों Mr. Modi जा रहे हैं इसको attend करने के? तो you can see this summit significant for India because India will assume the rotational presidency the SCO at the end of the Samarkand summit. तो India expect कर रहा है, assume कर रहा है कि rotational presidency जो होगा ना आपका SCO का, जो Samarkand summit में होने वाला है वो India को मिल सकता है. So first of all, India will be holding the presidency for 1 year till 2023. तो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी रहने वाली है 1 साल के लिए 2023 तक. That's why Mr. Modi का जाना वहाँ पे बहुत important हो जाता है. That's why ये वाला SCO summit जो है हमारे लिए important हो जाता है because in the next year we are going to have the presidency. Now next year India will host the SCO summit also, which will be attended by the leaders of China, Russia, Pakistan and among the other members of the SCO. So आपके पास प्रेसिडेंसी आने वाली, that's why it is very important. एंड साथ में हम उसको होस्ट करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर में. वेरियस कंट्रीज हमारी पार्टनर बनेंगी, मतलब अटेंड करेंगी यहाँ पर आकर. एंड यू गाइस आर सेइंग कि पेरेंट कंपनी ऑफ कंपनी विच वर्क्स विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंपनी. ओके, ओनरशिप स्टेक इज मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर्स. ओके, मोर देन 51% शेयर और ओनरशिप. चलो ठीक है. इफ़ आई टॉक अबाउट द सब्सिडरी, क्या होता है ना, जो भी आपकी पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी के पास जब मेजर शेयर होल्डिंग होती है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी की तो वह सब्सिडरी बन जाती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई से देयर इज अ पर्टिकुलर कंपनी XYZ कंपनी वो मेरी सब्सिडरी कंपनी है, इट मीन्स दैट्स अ हेल्पिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी होने का मतलब है हेल्पिंग कंपनी, एंड हेल्पिंग कंपनी बनाने के लिए भी व्हाट यू नीड, आपको वहाँ पर मेजर शेयर होल्डिंग लेना होगा, बिकॉज हेल्पिंग कंपनी आपका एसोसिएट भी हो सकता है, आपका सब्सिडरी भी हो सकता है। बट जब आपके पास मेजर शेयर होल्डिंग होगी दैट विल बी सब्सिडरी, जब माइनर शेयर होल्डिंग होगी दैट विल बी योर एसोसिएट। और फिर सब्सिडरी की जो वर्किंग होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू दी पेरेंट कंपनी। किसके अकॉर्डिंग होगी? पेरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग, जिसने उसको बनाया है। चलो यहाँ पे देखते हैं, ऑल्दो देयर इज नो फॉर्मल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बायलैटरल टॉक्स बट द समिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज द रीसेंट डिसेचमेंट बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज ट्रुप्स एट पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन द कोगरो होस्ट स्प्रिंग रीजन हैज ओपन अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द टू साइड्स ऑफ टू एंगेज एट द हाइएस्ट लेवल। तो यहाँ पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं कि बायलैटरल टॉक्स वहाँ पे की जाएंगी या फिर कोई भी पर्टिकुलर समिट के अंदर सिर्फ इंडिया चाइना के बारे में बात की जाएगी, ऐसा कोई बायलैटरल टॉक के बारे में अभी तक कोई फॉर्मल नोटिस नहीं आया है। बट स्टिल यहाँ पे देखा जा सकता है कि इंडियन और चाइनीज ट्रुप्स के बीच में जो भी इशू चल रहा था किसको लेकर, कोगरा हॉट स्प्रिंग्स रीजन को लेकर, उसके बारे में बात की जा सकती है। दैट कैन बी डन देयर। नाउ नेक्स्ट अबाउट एससीओ की बात करें तो फाउंडेड इन 2001 शंघाई में। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, एससीओ जो है आपका, ये सिंपली क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स मल्टीपल गवर्नमेंट्स आर पार्टनर हियर। नाउ व्हिच कंप्राइजेस 8 मेंबर्स नेशंस। कितने मेंबर्स हैं? 8 हैं। वी आर चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ एससीओ। और अदर देन द मेंबर नेशन, एससीओ आल्सो हैज 4 ऑब्जर्वर्स नेशंस इंटरेस्टेड इन द फुल मेंबरशिप, जैसे कि अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ये ऐसे हैं जो आपके इंटरेस्ट में। देखो ऑब्जर्वर नेशंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ऑब्जर्वर नेशंस? जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के समिट में ऑब्जर्वर बन के जाते हो, इट मींस दैट आप क्या बन के जा रहे हो? ऑब्जर्वर बन के जाना। इट मींस यू आर नॉट अ मेंबर, यू कांट टेक द डिसीजंस। आप अपना सजेशन नहीं दे सकते, डिसीजंस नहीं सुना सकते, बट यू कैन ऑब्जर्व दी अदर मेंबर्स कि यार इस समिट में ये लोग करते क्या है। एंड इफ यू फील लाइक कि यार ये जो कर रहे हैं समिट में, जिसके बारे में ये टॉक कर रहे हैं, जो इनिशिएटिव्स ये ले रहे हैं, दैट विल बी बेटर फॉर आवर कंट्री ऑल्सो, देन यू कैन बिकम द मेंबर ऑफ दिस particular ऑर्गेनाइजेशन। तो वही सेम चीज है, ऑब्जर्वर है, दे आर ऑब्जर्विंग कि क्या आपके नेशंस कर रहे हैं, क्या सॉल्यूशन उससे निकलता है। आफ्टर दैट है ना, आफ्टर दैट इफ दे फील सो दे कैन बिकम द मेंबर। तो ये फुल मेंबरशिप के लिए ऑलरेडी क्या है, इंटरेस्टेड है, हमने देखा। साथ में 6 डायलॉग पार्टनर्स भी हैं आपके, आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। दीज आर द डायलॉग पार्टनर्स। सो इन 2021 अ डिसीजन वाज मेड टू स्टार्ट द असेशन प्रोसेस ऑफ ईरान टू द एससीओ एज अ फुल मेंबर एंड इजिप्ट, कतार एज वेल एज सऊदी अरेबिया बिकेम द डायलॉग पार्टनर्स। तो 2021 में एक डिसीजन ले गया स्टार्ट द असेशन प्रोसेस को ऑफ ईरान का। ईरान के असेशन के प्रोसेस की स्टार्ट की बात की गई और वहीं पे है ना एज अ फुल टाइम मेंबर, वहीं पे इजिप्ट, कतर एज वेल एज सऊदी अरेबिया भी आपके डायलॉग पार्टनर्स बने। नाउ द मेन फोकस ऑफ एससीओ हैज बीन रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, रीजनल डेवलपमेंट एंड इट्स फाइट अगेंस्ट द रीजनल टेररिज्म, एथनिक सेपरेटिज्म एंड द रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। तो देखो मेनली आपके ये जो कंट्रीज साथ में आई है, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, इसका मेन रीजन क्या है? दीज कंट्रीज चाहती हैं कि आपका रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ को ख़त्म कर दें, कि हमारी कंट्रीज़ के बीच में जो भी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं वो खत्म हो। रीजनल डेवलपमेंट, एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हुए चले हम, है ना। फाइट अगेंस्ट द रीजनल टेररिज्म, कि हमारे रीजन में जो भी टेररिस्ट का काम कर रहा है या टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे रीजन से। और एथनिक सेपरेटिज्म और रिलीजियस एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उनको ख़त्म करने की बात करेंगे। सो दीज आर द मेन पर्पस ऑफ द एससीओ, जिसके कारण एससीओ को बनाया गया है, ठीक है। एंड व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? बिकॉज हमारे मिस्टर मोदी जो हैं इसकी समिट को अटेंड करने वाले हैं, कहां पर, ट्रेन में, ठीक है। चलिए समथिंग अबाउट एससीओ। हर्ष क्या पूछ रहे हो? समथिंग अबाउट एससीओ यू वांट टू नो, लाइक अभी जो हमने पढ़ा अबाउट, उसके बारे में पूछ रहे हो आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज आता है आपका, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया अचीविंग द 7% ग्रोथ डिस्पाइट चेंजेस सेड मिस्टर जयशंकर। फिर से आ जाते हैं मिस्टर जयशंकर की एक न्यूज के ऊपर, जिन्होंने कहा है ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी, हम आशा रखते हैं कि इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो 7% ग्रोथ देखा जाएगा चैलेंजेस होने के बावजूद भी। लाइक वी नो ना कितने सारे चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं आफ्टर पैंडमिक। कोविड वॉर हुआ, यूक्रेन कोविड सॉरी आफ्टर पैंडमिक आपका यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, आफ्टर दैट इन्फ्लेशन आप कैसे देखते जा रहे हो, बढ़ता ही जा रहा है कंट्री में, बट स्टिल वी आर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी लोग हैं हम। लाइक वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि हाँ ठीक है इस टाइम पे एग्जाम फॉर्म आएगा हम इतना पढ़ लेंगे, वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि दिसंबर तक हम सिलेबस भी कंप्लीट कर लेंगे एंड वन टाइम रिवीजन भी कंप्लीट कर चुके होंगे। सो दिस इज यू आर हैविंग अ सर्टेन आशा कि यार ये कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया एक्सप्रेसिंग होप दैट इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दिस ईयर विद एट लीस्ट 7% ग्रोथ डिस्पाइट द चैलेंजेस पोस्टेड बाय द यूक्रेन क्राइसिस। कि आपका पैंडमिक के बाद भी जो यूक्रेन क्राइसिस आया है, आपका जो वॉर हुआ है, उसके बाद भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी में इंडिया आएगा जो कि 7% की ग्रोथ अचीव कर सकता है, ठीक है। तो मिस्टर जयशंकर हैज सेड दैट इंडिया हैज मेड मोर पावरफुल एफर्ट्स टू ग्रो इन इकोनॉमी एंड एमर्ज एज हायर इनकम कंट्री। तो यहाँ पे मिस्टर जयशंकर का कहना है कि इंडिया एक पावरफुल एफर्ट लगा रहा है ग्रोथ करने के लिए इकोनॉमी में और हायर इनकम कंट्री के लेवल पे आने में। पर अभी हम हायर इनकम लेवल पे नहीं है ना, वी आर नॉट एट द हायर इनकम लेवल। अगर हायर इनकम लेवल पे आना है तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $12,000 होना चाहिए। वी आर हैविंग ओनली $10,000 क्या आपका पर कैपिटा इनकम। सो वी आर नॉट एट द हायर इनकम कंट्री बट स्टिल वी आर ट्राइंग, वी आर पुटिंग आवर मोर एफर्ट्स टू बिकम दिस। नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग होप दैट इट विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड दिस ईयर विद एट लीस्ट 7% growth despite the challenges of the Ukraine crisis. Okay, now the Mr. Jaishankar arrived here on Saturday on a 3-day visit to Saudi Arabia to discuss ways to further strengthen the relations between the two countries. So it is in the first to visit Saudi Arabia as External Affairs Minister. So यहाँ पे अभी हमने first news पढ़ा था, ये Mr. Jaishankar जो है Saudi Arabia गए थे और वहीं पे फिर हमने ये जो target की बात की, growth की, वो भी बात करी। So he started his visit from Saudi Arabia with interaction with our community, appreciated the contribution of our diaspora in facing national challenges. So spoke to them about our country's resilience, especially during the time of the COVID and national transformation that is underway in India. That Mr. Jaishankar said. कि वंदे भारत की बात जब हम यहाँ पे कर रहे थे that सबसे ज़्यादा लोगों को evacuate India ने किया है. That is very important. अभी पढ़ा ना बेटा हमने, एससीओ शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये 8 कंट्रीज ने मिलकर बनाया। इसके मेंबर जो है फुल टाइम मेंबर वो 8 मेंबर्स हैं। इन 8 कंट्रीज का टारगेट ये है कि टेररिज्म को खत्म करना है, रीजनल डेवलपमेंट करना है, रीजनल अपॉर्चुनिटीज बना के लेकर आनी है और जितने भी ऐसे डिस्पैरिटीज आपके रीजन में है उन सबको खत्म करना है। इन बेसिक टारगेट्स को लेकर कौन काम कर रहा है आपका, है ना, कौन काम कर रहा है? सिंपली इट इज वर्किंग द एससीओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, एड्रेसिंग द इंडियन कम्युनिटी हियर ऑन सैटरडे, मिस्टर जयशंकर सेड इंडिया थिंक्स अबाउट द वेज इन विच इट कैन चेंज इट्स क्रेडिट बैंकिंग, एजुकेशन एंड द लेबर पॉलिसी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया सोच रहा है अबाउट द वेज इन विच ये चेंज कर सकता है अपनी क्रेडिट, बैंकिंग, एजुकेशन और लेबर पॉलिसी को, जो आई थिंक और वी ऑल एग्री दैट वी रिक्वायर टू चेंज दिस पॉलिसी, राइट। चाहे आप क्रेडिट पॉलिसीज की बात करो, चाहे बैंकिंग पॉलिसीज की बात करो, चाहे वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन पॉलिसी और लेबर पॉलिसी। तो 4 लेबर कोड्स 2019 में इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, वी नो दैट 4 लेबर कोड्स बहुत ही अच्छा चेंजेस आपकी लेबर पॉलिसी के अंदर वो लेकर आया है। आफ्टर दैट एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया हम लेकर आए, वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट यस, अभी पूरी तरीके से स्टार्ट नहीं किया गया, बट वी आर स्टार्टिंग। अच्छा, हमने लास्ट क्लास जो हुई थी न्यूज़पेपर की, तो हमने पढ़ा था कोई एक ऐसे स्कूल्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बेस्ड काम करेंगे। उन स्कूल्स का नाम मुझे बताओगे, कौन सी स्कीम हमने पढ़ी थी जिसके अंदर हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड स्कूल्स की बात कर रहे थे कि स्कूल्स अपने आप को वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट होंगे तो उनको डेवलप किया जाएगा एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बताओ जल्दी से, नहीं याद है तो लिख दो दैट वी डोंट रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड दैट इंडिया हैज मेड पावरफुल एफर्ट्स टू ग्रो इट्स इकोनॉमी and move towards becoming a higher income country. We are trying to do so कि हमें higher income country में आना है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें बहुत बड़ा विजन लेकर चलना होगा, बहुत टारगेट्स को सेट, ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक गोल्स बनाने पड़ेंगे। सो ही सेड अ लॉट ऑफ दिस रिक्वायर्ड अ विजन, प्रूडेंट मैनेजमेंट ऑफ आर फिस्कल रिसोर्सेज। देखो अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, एफआरबीएम एक्ट कह रहा है फिस्कल डेफिसिट को कम करो, इधर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती जा रही है बिकॉज डेफिसिट कम करना है, बिकॉज डेफिसिट कम करना ही पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट आपका वो डेफिसिट होता है जो आप बोरो कर रहे हो फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ योर कंट्री, फ्रॉम योर होम कंट्री और फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों में से कहीं से भी आप बोरो कर रहे हो। सो व्हेन देयर इज अ हाई फिस्कल डेफिसिट तो आपका जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर पे उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो ही सेड कि अगर हमें हायर इनकम कंट्री बनना है ना तो वी रिक्वायर टू मेक श्योर कि हमारे फिस्कल रिसोर्सेज को सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है और यूटिलाइज किया जा रहा है। वेरी गुड पीएम श्री स्कूल, वेरी गुड, एवरीवन हैज गिवन द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही रिवाइज करते रहो, बहुत जरूरी ये चीजें, ठीक है। चलिए, मेनी बिग रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस एंड वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ द इन दैट टू वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2021। वी हैव पोस्टेड द हाईएस्ट एक्सपोर्ट दैट वी हैव एवर डन। सो आवर टोटल एक्सपोर्ट्स वर $670 बिलियन। अभी तक का हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो इंडिया ने किया है दैट इज $670 बिलियन। ये हमारा एक्सपोर्ट रहा है दैट वी हैव पब्लिश इन द एंड ईयर दैट इज मार्च 31, 2021, ठीक है। सो आगे हम बात करें, ट्रेड इन गुड्स स्टूड एट द $400 बिलियन। ही सेड कि टोटल एक्सपोर्ट्स आपका हुआ था उसमें से जो आपका ट्रेड इन गुड्स है वो रहा है $400 बिलियन का। सो ही पॉइंटेड आउट दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग मेनी चैलेंजेस लाइक राइजिंग फूड एंड ऑयल एंड शिपिंग प्राइसेस ड्यू टू द यूक्रेन क्राइसिस, बट वी आर स्टिल very confident that India will be a fastest growing major economy in the world this year. We will get at least 7% growth. तो इन्होंने कहा देखो पूरा वर्ल्ड जो इतने सारे challenges face कर रहा है but we are confident in ourselves कि हम achieve कर लेंगे हमारा 7% वाला growth. Now, Mr. Jaishankar said that the idea of India as a trading power has become credible today. तो यहाँ पे कहा गया है कि जयशंकर सर का कहना है, मिस्टर जयशंकर का कहना है कि idea of India का जो है as a trading power ये आज के टाइम पे credible बन चुका है। Now he said that India's economic recovery after COVID-19 is worth studying. कि COVID-19 के बाद जो हमें recovery किया लाइक आपको पता होगा ना, तो फर्स्ट क्वार्टर -23.9% तक हम पहुंच चुके थे। That was the worst GDP rate हमारा जो पैंडेमिक के कारण हुआ था फर्स्ट क्वार्टर में। तो उससे हमने कितनी जल्दी रिकवर कर लिया। He is saying कि उससे सीखना चाहिए। It's worth studying कि क्या किया इंडिया ने ऐसा कि इतने आसानी से रिकवर कर पाए। He said many nations spend a lot of money during the COVID period. बहुत सारे नेशंस ने किया है और दैट्स ट्रू, किया भी है। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज की, जैसे यूएस की बात करते, दे हैव पेड द सैलरीज ऑल्सो। जो आपके प्राइवेट एम्प्लॉयज़ थे जो प्राइवेट कंपनीज में वहाँ पे काम कर रहे थे, दे आर नॉट गेटिंग देयर सैलरीज, उनकी कंपनीज ने उसको जॉब से निकाल दिया था या सैलरी नहीं दे रहे थे उन पर्टिकुलर मंथ्स की। तो यूएस गवर्नमेंट हैज़ पेड देम द सैलरी सो दैट दे विल बी एबल टू सर्वाइव। जैसे हमारे यहाँ पे था गरीब कल्याण योजना के अंदर हम लेकर आए थे ना बहुत सारे बेनिफिट्स कि आपका विडो वेमेन के लिए लेकर आते हैं या फिर बीपीएल फैमिलीज़ के लिए लेकर आते हैं या माइग्रेंट वर्कर्स के लिए लेकर आते हैं। सिमिलरली अदर कंट्रीज़ ने भी ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। सो आई वुड से लाइक टू नी चर्क दे वर इन द हरी टू रिस्पॉन्ड टू द क्राइसिस सिचुएशन, सो दे डिड नॉट अलाउ देम टू नेसेसरली यूज देयर फंड्स एंड रिसोर्स वाइजली, मिस्टर जयशंकर सेड। तो मिस्टर जयशंकर का कहना है कि देखो हमने बहुत सही किया है और जो अदर कंट्रीज़ ने किया था कि पैसा बांटते जा रहे थे दैट्स अ रॉन्ग स्टेप, हमने सही किया। तो वी हैव रिकवर्ड वेरी मच बेटर इन कंपैरिजन टू दीज कंट्रीज। नाउ ही सेड इंडिया इंस्टेड फोकस्ड ऑन द क्रिएटिंग अ सेफ्टी नेट। और इंडिया उस टाइम पे किस पे फोकस कर रहा था? सेफ्टी नेट पे फोकस कर रहा था जब अदर कंट्रीज आपका स्पेंड करने में बिजी थे। दैट्स व्हाट ही हैज सेड। सो ही सेड ही वाज देयर वाज अ प्रोग्राम टू गिव फ्री राशन टू 80 करोड़ पीपल्स, है ना, आपके 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे फ्री राशन दिया गया था अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो आपका था 2013, उसके अंदर पीडीएस के अंदर हमने 80 करोड़ कितने लोगों को, 80 करोड़ पीपल को क्या प्रोवाइड किया है? फ्री राशन। यस, हमने बहुत सारी चीज़ें दी, लाइक कोलेटरल फ्री लोन दिया है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया है हमने। अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें, सो वी हैव प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस टू द हेल्थ वर्कर। जितने भी कोविड-19 से डील कर रहे थे उन हेल्थ वर्कर्स को हमने इंश्योरेंस दिया है, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, आपके लेबर्स हो गए, उनको वहाँ पे एक मंथली इनकम का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, आपके विडोज हो गए, जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स हो गए, उन सबको हमने यहाँ पे हेल्प किया है. चलिए ना, देयर नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैज डन इट, ही हैज सेड. सो देयर इज अ प्रोग्राम टू गिव मनी टू द बैंक अकाउंट ऑफ 40 करोड़ पीपल, कि हमने पैंडेमिक के टाइम पे 40 करोड़ पीपल के बारे में बात करी और उनको पैसे देने की काम किया. सो इंडिया हैज लॉडेड इंडियाज एफर्ट्स टू डील विद द कोविड क्राइसिस. ही सेड ऑन द सेट ऑफ द pandemic, India did not make masks and ventilators. He said people did not know about PPE kits. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ऑनसेट ऑफ पैंडमिक इंडिया ने मास्क और वेंटिलेटर्स का प्रोडक्शन नहीं किया, बट ही डिसाइड दैट द पीपल डिडंट नो अबाउट द पीपीई किट्स, कि हमने उसका प्रोडक्शन किया. सो वी कुड नॉट ओनली मेक इट 1.3 बिलियन पीपल नीडेड, बट वी कुड ऑल्सो सेट अप द सेंटर फॉर डेडिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर पीपल हु केम डाउन विथ कोविड, द मिनिस्टर सेड. सो इंडिया वॉज एबल टू प्रोड्यूस कोविड वैक्सीन इन द लार्ज नंबर. ठीक है, तो अब इंडिया, हम क्या कह रहे हैं कि इंडिया इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द लार्ज नंबर ऑफ योर कोविड वैक्सीन. नाउ नेक्स्ट थिंग इज देयर वर मेड इन इंडिया वैक्सीन अवेलेबल फॉर 1.3 बिलियन पीपल. है ना, हमने क्या किया है, मेड इन इंडिया वैक्सीन को अवेलेबल करवाया था 1.3 बिलियन पीपल के लिए. सो we can say that we are here for to discuss this particular thing. So this is what he said, that these are the advantages, not the advantages, we can say these are the achievements which Indian economy has got at the time of pandemic, और हम बहुत जल्दी उससे recover भी कर पाए. That's why he are saying कि अब जाके जो next year वाला हमारा growth होगा, we are capable of getting the 7% growth. ठीक है, now I go for tours and see that people several countries have not been vaccinated as they did not have them. So countries which had everything but still people are not vaccinated, the minister said. So adding that India was able to close this gap with continued efforts. So like अब आप देखो हमारी कंट्री में अगर हम वैक्सीनेशन की बात करते तो we all are vaccinated, right? So बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हमारी कंट्री के लिए है that we have covered maximum population of our country. So Mr. Jaishankar has lauded the governing ties between the India Saudi Arabia. So he said during the COVID crisis we saw our international friendship and also deliver at the point of time. तो यहाँ पे partnership करने की बात कर रहे हैं, tie-ups की बात कर रहे हैं. So Saudi Arabia was very helpful and provided the supply of oxygen to India. So 2 years of COVID are when the country was tested but we came through, said the Mr. Jaishankar. So the COVID के टाइम पे जब हमारी हेल्प की रिक्वायरमेंट थी, so at that time अगर हम बात करें तो Saudi Arabia helped us by providing the supplies of oxygens. So that's why what we are saying that we have a very good relation with the Saudi Arabia and we are looking forward to make it more better. ठीक है, सो अगर हम बात करें की रोल की इंडियन डायस्पोरा का जो कि इन दो कंट्रीज़ के बीच में प्ले किया जाएगा, इन मेनी वेज ऑल ऑफ द शेप द इमेज ऑफ इंडिया एंड व्हाट सऊदीज थिंक अबाउट इंडिया एंड व्हाट आर अबाउट. सो कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली ऑल ऑफ थ्रू योर अचीवमेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रोफेशंस एंड योर फ्रेंडशिप हैव कलेक्टेड बिल्ड अप व्हाट इज़ द टोटल सऊदी परसेप्शन ऑफ इंडिया. फॉर दैट योर कंट्री विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल. आपकी कंट्री क्या रहेगी, हमेशा ग्रेटफुल रहेगी, इन्होंने ये कहा. सो वन ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटाइज इज टू एंश्योर दैट द पीपल गेट गुड ट्रीटमेंट अब्रॉड. ठीक है, दिस इज द फॉरेन पॉलिसी वी आर टॉकिंग अबाउट. सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की गई इन द कोविड-19 ड्यूरेशन में, कि हमने अपनी कंट्री के लोगों को बहुत आसानी से इवैक्यूलेट, नॉट बहुत आसानी से बोलेंगे, बट वी हैव इवैक्यूलेटेड मैक्सिमम पीपल इन द वर्ल्ड, जो किसी और कंट्री ने नहीं किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट श्रीलंका बिन अ वेरी हेल्पफुल कंट्री फॉर ऑल ऑफ सॉरी नॉट श्रीलंका सऊदी अरेबिया बिन द वेरी हेल्पफुल कंट्री एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक. दे प्रोवाइडेड अस द सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन. सो वी आर हैविंग द इंट्रैक्शन विद द सऊदी Arabia that we want to start a certain tie-ups in the field. Okay, so ये न्यूज़ थी हमारी किसको लेकर, सऊदी अरेबिया को लेकर. दोनों ही चीज़ों को यहाँ पे आपको याद रखना है, वंदे भारत का अचीवमेंट एंड साथ में मिस्टर जयशंकर ने कहा कि 7% का ग्रोथ हम अचीव कर लेंगे, और वो 7% की ग्रोथ को जस्टिफाई करने के लिए ही हैज़ गिवन ऑल दोज स्टेटमेंट्स हमने पढ़े कि हम ये कर चुके हैं तो हम ये भी कर लेंगे. ठीक है, ही हैज़ गिवन दिस व्हाट वी कैन से द एक्सप्लेनेशन. चलिए नाउ इंडिया टू बिकम अ पावर हाउस ड्राइविंग ग्लोबल ग्रोथ बाय 2047 मिस्टर पीयूष गोयल. सो यू नो है मिस्टर पीयूष गोयल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, आपके रेलवे मिनिस्टर रह चुके हैं ये आपके. सो मिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि इंडिया बन सकता है पावर हाउस ड्राइविंग ग्लोबल ग्रोथ का बाय द 2047 है ना, कब तक 2047 की हम बात करें. नाउ यू कैन सी assessing the impact of the foundational changes and structural transformation that has happened in the last few years, Mr. Goyal mentioned that CII estimated India in 2024 to be a 35 to 45 trillion economy, taking India into the league of developed nations. So India को आप कहाँ ले जा सकते हो, developed nation की तरफ ले जा सकते हो, because according to the CII we are saying we are expecting India by the year 2047 that कि आपका 35 to 45 ट्रिलियन इकोनॉमी में इंडिया काउंट होगा एंड इसके कारण ही आपका डेवलप्ड नेशन में काउंट किया जाएगा. अब ये कैसे होगा थोड़ा सा समझते हैं. सो इंटरेक्शन जब हुआ बिजनेस लीडर्स के साथ कैलिफोर्निया में, हमारे मिस्टर पीयूष गोयल ने रिमार्क किया कि इंडिया वाज सेट टू बिकम अ पावर हाउस ऑफ ग्लोबल ग्रोथ बाय द ईयर 2047. साथ में द मिनिस्टर पॉइंटेड आउट टू गोइंग रिफॉर्म एफर्ट्स टू द इंजन बिहाइंड इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ विच हैज सीन कंट्री बिकम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और हमने यूके को भी पीछे छोड़ दिया है. सो इंडिया बिकेम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ द फाउंडेशनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज happened in the last few years, Mr. Goyal mentioned that the CII estimates India in 2047 to be a 35 to 40 trillion economy. That's a very good achievement. और अगर ऐसा होता है तो we will be in the part of the developed nation. अच्छा हम क्या बोलें, अभी हम इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री और अ डेवलपिंग कंट्री. बताओ अभी हम इंडिया को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इंडिया इज अ अंडर डेवलप्ड नेशन और अ डेवलपिंग नेशन. बताइए. चलिए आगे कहा गया द मिनिस्टर नोटेड दैट इंडिया हैज़ नाउ एमर्ज एज अ हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर ऑफ वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज. तो हम कोशिश करें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए, बिकॉज अगर हम इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लेते हैं तो यू विल नो आपका प्रोडक्शन, आपका पर कैपिटा इनकम, का नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगा. अगर आप प्रोडक्शन आप बढ़ाते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करोगे. अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपका क्या होने वाला है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बढ़ने वाला है, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे होने वाले, फॉरेन ट्रेड आप जब करोगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी करेंसी की डिमांड मार्केट में आएगी, तो हो सकता है रुपये की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में बढ़ जाए. अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोडक्शन करोगे, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलप, एवरीथिंग विल बी डन. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग हियर. हम यहाँ पे वही बात बोल रहे हैं कि आपका हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चर तो बन चुका है. गिवन द स्किल सेट्स एंड द टैलेंट पूल अवेलेबल अक्रॉस द सेक्टर्स, दैट इज आईटी सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, हॉस्पिटैलिटी, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंड एडेड दैट ईच वन ऑफ दीज वुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स लुकिंग टू एंगेज विद इंडिया. ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबको बेटर अपॉर्चुनिटी इन सेक्टर्स में आने पे क्या प्रोवाइड किया जाएगा, बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी. क्लियर. नाउ ही ऑल्सो फाउंड दैट इंडिया हैज़ एक्वायर्ड अ फ्यू नेचुरल एडवांटेजेस. फर्स्ट, इंडियाज यंग पॉपुलेशन एंड द टैलेंट पूल अवेलेबल अक्रॉस द सेक्टर्स प्रोवाइड ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रोथ, सेड मिस्टर गोयल. सो सेकेंड, द नेशन एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव एंड पीपल एंड सेंट्रिक गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी. तो सिंपल सी बात हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे हमने एक्वायर किए फ्यू नेचुरल एडवांटेजेस, जैसे कि पहला तो यंग पॉपुलेशन और टैलेंट पूल हमारे पास अवेलेबल है, जो एक बहुत बड़ा ह्यूज अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है हमारी ग्रोथ के लिए. सेकेंड, हम यहाँ पे बेनिफिट जो हैं स्ट्रॉन्ग, डिसिसिव एंड पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट जो हमारी है, जो कि हमारे मिस्टर मोदी हैं, लाइक इनडायरेक्टली उन्होंने मिस्टर मोदी की तारीफ यहाँ पे करी है दैट ही इज़ वेरी काइंड ऑफ लीडर हु इज़ अ पीपल सेंट्रिक पर्सन, यानी कि हमारे लीडर जो है वो लोगों को. अच्छा, आप मोटिवेशन पढ़ते हो ना, सॉरी नॉट द मोटिवेशन, मैनेजमेंट पढ़ते हो ना आप लोग. मैनेजमेंट में जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो यू हैव सीन कि आपके लीडर के अंदर ना, लीडरशिप के अंदर पीपल सेंट्रिक थ्योरी और आपका बोल सकते हैं टास्क सेंट्रिक थ्योरी, ऐसी कुछ थ्योरीज दी जाती हैं. सो पीपल सेंट्रिक, जब आपका लीडर जो है वो सिर्फ आपके एम्प्लॉयज़ की, आपके सबॉर्डिनेट्स की खुशी के बारे में सोच रहा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है. एंड व्हेन इट कम्स टू दी आपका टास्क सेंटर्ड लीडर्स जो होते हैं, टास्क सेंटर्ड लीडर्स होते हैं, दे ओनली केयर अबाउट द जॉब, दैट जॉब हैज़ बिन डन और नॉट, काम हुआ कि नहीं हुआ, आप दुखी हो तो दुखी रहो पर काम होना चाहिए, दैट टाइप ऑफ लीडर इज देयर। तो इन्होंने कहा है कि मिस्टर मोदी जो हैं आपके वो क्या हैं, ही इज अ पीपल सेंट्रिक लीडर। अब देखो जहां पर भी चीजें पढ़ते हो, आ गया ना मैनेजमेंट करेंट अफेयर्स में, तो यहाँ से याद कर सकते हो पीपल सेंट्रिक लीडर क्या होते हैं, ऐसे लीडर्स जो अपने व्हाट वी कैन से अपने सबॉर्डिनेट्स की, अपने एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं दैट हमारे सबॉर्डिनेट्स खुश हैं कि नहीं है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। चलिए आगे देखो क्या लिखा है। So next he has said that India's goal was to leverage these advantages to become a developed nation by 2047. So the country's 100th anniversary of independence, तो हमारी 100 साल हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को एक और, तब हम हमारी कंट्री को डेवलप्ड बनाना चाहते हैं। That's the dream Mr. Narendra Modi has also explained in the 15th August of speech. Underdeveloped resource depletion, young Indian see. डेवलपिंग अंडरडेवलप्ड दो आंसर्स आ रहे हैं। सो रिसेंटली अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी इज स्टिल इन द कंट्रोवर्सी, इज स्टिल इन द डिबेट कि आपका यहाँ पर जो कंट्री है इट्स अ अंडर डेवलप्ड कंट्री और एज अ डेवलपिंग कंट्री, बिकॉज जो आपकी इकोनॉमिक फैक्टर्स है ना, कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स ऐसे हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और कुछ रिप्रेजेंट करते हैं एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, जो पहले ही चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। आई डोंट थिंक हमें यहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत है। यस, बिहेवियरल थ्योरीज हो गई आपकी, लीडर्स कंसिडरेशन एंड टास्क ओरिएंटेड, वेरी गुड। सो दिस इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ना, ऐसे कहीं पे भी कुछ भी पढ़ो तो हाथों हाथ रिवाइज कर लिया करो चीज़ों को। मिस्टर गोयल हैज सेड दैट लॉस एंजेलिस टू अटेंड द फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू दी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अ 14 नेशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो 14 नेशन का जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुआ उसकी पहली मिनिस्ट्रियल मीटिंग को अटेंड करने के लिए मिस्टर गोयल कहाँ थे आपके, मिस्टर लॉस एंजेलिस में। सो IPEF इज एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर फ्री एंड फेयर ट्रेड विद लाइक minded countries who share a common objective to have the rule based international order and a transparent economic system, politically stable open economies in the Indo-Pacific area coming together to expand economic activities among each other. So we can simply say कि यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं फ्री और फेयर ट्रेड करने की, कि आपके जो टैक्सेस हैं, ड्यूटीज़ हैं एक्सेट्रा की हम जब बात करते हैं है ना, टैक्सेस ड्यूटीज़ की अगर जब हम बात करते हैं सो उन सबको हटा दिया जाता है। फ्री ट्रेड मतलब लिबरल ट्रेड बनाया जाता है, आपके रूल्स रेगुलेशंस ड्यूटीज़ को हटाया जाता है। साथ में हम बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे हम ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एक जैसे ऑब्जेक्टिव लेकर चल रही है, जिनके मोटिव्स एक जैसे हैं, उन कंट्रीज़ के साथ मिलकर इसको बनाया गया है और वो कंट्रीज साथ में काम कर रही हैं अपने ग्रोथ के लिए। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो मिस्टर पीयूष गोयल ने क्या काम ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं, रशिया अनाउंसेस टू पुल बैक फ्रॉम यूक्रेन। क्या कर लिया यहाँ पे, रशिया ने पुल बैक करने को कहा है अपने ट्रुप को, कहाँ से, यूक्रेन से। तो रशिया इज पुलिंग बैक फोर्सेस फ्रॉम टू एरियाज इन यूक्रेन्स खार्किव रीजन सिंस यूक्रेन्स काउंटर ऑफेंसिव हैज मेड सिग्निफिकेंट एडवांसेस इन द रीजन इन द पास्ट वीक्स। सो रशिया हैज सेट देयर ट्रुप्स टू पुल बैक। ओके ना, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं हमारी कि रशियाज डिफेंस मिनिस्टर सेट सैटरडे दैट इट इज पुलिंग बैक फोर्सेज फ्रॉम टू एरियाज इन यूक्रेन्स Kharkiv region where a Ukraine counter offensive has made a significant advances in the past week. So defense minister spokesman Mr. Igor Kontsov said the troops would be regrouped from the Balakliia and the Izyum areas to the Donetsk region. Izyum was a major base for the Russian forces in the Kharkiv region. So आपका दो areas ऐसे हैं जहाँ से अपनी आर्मी को, अपने ट्रुप को, आपका अपने ग्रुप्स को, अपने मेंबर्स को वापस करने की बात की है और उनको किसी पर्टिकुलर नई लोकेशन पर ले जाया जाएगा। सो दिस मूव इज बीइंग मेड इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेटेड गोल्स ऑफ द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस टू लिबरेट द डॉनबास, वन ऑफ द ईस्टर्न यूक्रेन रीजन दैट रशिया हैज़ डिक्लेयर सोवर्जन। सो ऑब्वियसली बात है, डिक्लेयर ही आपका ये हुआ था कब, जब हमने डिसाइड किया था या हमने बात करी थी दैट दिस इज द पार्ट ऑफ नो नॉट लॉस द वॉर, ही जस्ट they just call back their troop from the two locations and they will relocate them to the other location, है ना। अभी आपका ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया है, वॉर इज नॉट एंड येट। ठीक है, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर गोइंग टू रीग्रुप दैम। ठीक है, चलिए नाउ द क्लेम ऑफ पुल बैक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डॉनबास इज सिमिलर टू द जस्टिफिकेशन रशिया गेव फॉर पुलिंग बैक इट्स फोरकास्ट फोर्सेस फ्रॉम द कीवी रीजन अर्लियर दिस ईयर, और दैट्स द सेम रीजन रशिया इज गिवन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर कि वाई ही इज कॉलिंग बैक इट्स ट्रूप बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर लोकेशन, बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। सो यूक्रेन ऑफिशियल, अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है, व्हाट लेड दिस टू दिस डेवलपमेंट. ठीक है, सो हमने यहाँ पे देख लिया इससे क्या होगा. हमने देख लिया आपका जो सैटरडे को बात की गई कि क्लेम मेजर गेन्स इन द काउंटर ऑफेंसिव अगेंस्ट रशियन फोर्सेज इन द कंट्रीज नॉर्थ ईस्ट, सेइंग यूक्रेनियन ट्रूप्स हैड कट ऑफ द वाइटल सप्लाईज टू फ्रंट लाइन हॉटस्पॉट्स. तो आपके जो फ्रंट लाइन हॉटस्पॉट्स थे वहाँ से आपका सप्लाईज को जो है काट दिया गया है. सो द रिपोर्ट फॉलोड सेवरल डेज ऑफ अप्रैल एडवांटेज बाय यूक्रेन साउथ ऑफ Kharkiv, country's second largest city in the what could become the biggest battlefield success for the Ukraine forces since they thwarted a Russian attempt to seize the capital of Kyiv at the start of the nearly 7-month war. So यहाँ पे रिपोर्ट का कहना है कि कुछ दिनों से apparent advantage by Ukraine को जो मिला है वो ये है कि south of Kharkiv से the country's second largest city है वो, है ना. तो यहाँ पे biggest battlefield बन चुका है. तो यूक्रेन फोर्स कर रहा है since they thwarted a Russian attempt to seize the capital of Kyiv at the start of the nearby this year, इस ईयर के स्टार्टिंग में. Okay, so the Ukraine foreign minister spokesperson suggested that Ukraine troops had retaken the Kyrgyzstan a town along the main supply route or to Izyum along a focus of the Russian front line and the site of heavy artillery and other fighting. So यहाँ पे ट्वीट किया है एक फोटो जो शो करता है आपके सोल्जर्स को 92nd separate merchandise battle action में of Ukraine in front of what he said was a government building in the Kupansk, 73 kilometer it is from north of the Izyum. So आपका सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया है. दैट्स वाई रशिया हैव टू रीग्रुप देयर मेंबर. रशिया को अपने मेंबर्स को रीग्रुप करना पड़ेगा. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि रशिया ने पुल बैक करने को बोला है, बट नॉट लाइक कि रशिया हार गया है या हार मान चुका है या फिर हार चुका है. दिस इज द पुल बैक बिकॉज ऑफ द वाइटल सप्लाई कट ऑफ एंड दे आर टारगेटिंग द अनदर लोकेशन विच इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू टेक ओवर. बोथ अगर आप बात करो ना इंडिया की, इंडिया इज नॉट टोटली अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ अंडर डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, सो इट्स स्टिल इन द डिबेट. आपके दोनों फैक्टर्स जो आपके जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं ना वो दोनों रिप्रेजेंट करते हैं. कुछ इकोनॉमिक फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से डेवलपिंग, कुछ से हम बोलते हैं अंडर डेवलप. सो राइट आंसर इज इंडिया इज राइट नाउ इन द डिबेट ऑफ द अंडर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री. ठीक है, चलिए तो ये हो गई न्यूज़. आज की न्यूज़ थोड़ी सी बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली नहीं थी, आपकी नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ को लेकर बात हम कर रहे थे, है ना. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज़ दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो डू मेक श्योर उनको रिवाइज कर लो, एक बार पढ़ लेना. PDF आप लोगों को मिल जाता है जैसे ही सेशन खत्म होगा उसके थोड़ी देर बाद आपके पास जो PDF है वो कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा. वहाँ से PDF डाउनलोड करके रखो, उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करते जाओ ताकि हम सारी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे मेमोराइज कर पाएँ. एक साथ पढ़ोगे तो नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना पड़ेगा ना. इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू दैट द 15th of September से द न्यू बैच फॉर RBI ग्रेड बी फाउंडेशन स्टार्ट हो रहा है. कुछ लोगों के मैसेजेस मैंने देखे, देवर आस्किंग कि मैम पहला वाला फाउंडेशन बैच हमें नहीं मिल पा रहा है, हाउ टू एनरोल देयर लिंक भेज दीजिए. सो द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर बैच इज बैन, मतलब बंद कर दिए गए. नाउ द न्यू बैच जो कि आपका 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है दैट इज विल बी द सेम बैच. कि यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे आपका ऐड किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल इजी से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर होंगी जो आप फाउंडेशन बैच 1 में कर रहे थे. दैट विल बी द फाउंडेशन बैच 2. सो ये स्टार्ट हो जा रहा है 15th of September से. सिमिलरली जो लोग वेट कर रहे हैं सेबी का, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द सेबी बैच जो कि स्टार्ट होने जा रहा है 22nd of September से. सो दीज टू बैचेज आर द अपकमिंग फाउंडेशन बैचेज फॉर योर RBI ग्रेड बी एंड सेबी बिकॉज वी नो दोनों का पेपर आसपास ही रहने वाला है. सो वी हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल यहाँ पर. एंड टू एनरोल यू कैन यूज अ कोड Y343. आप कोड यूज कर सकते हो जो कि आपका क्या है Y343 एंड यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट हियर. अपार्ट फ्रॉम दैट FCI AG की वैकेंसी नहीं देखी तो एक बार जाके जरूर देख लो. इसी चैनल पे एक आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसका वीडियो पड़ा है. डू मेक श्योर डबल स्पीड के साथ आप उसको देखें. एंड इफ यू फील लाइक कि यार यहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ देन डू फिल द फॉर्म बिकॉज FCI इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ यू कैन एनरोल हियर, आप यहाँ पे एनरोल कैसे हो सकते हो, लेट मी टेल यू. कि एनरोल करने के लिए यू हैव टू विजिट द एप्लीकेशन या फिर आप चले जाओ वेबसाइट के ऊपर. एप्लीकेशन पे जाओगे तो ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए बिकॉज देन यू विल बी कैपेबल ऑफ फाइंडिंग 1% एडिशनल डिस्काउंट. नाउ यू कैन, इफ यू वांट टू गो विद द आरबीआई, आरबीआई के साथ जाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आरबीआई ग्रेड बी का इंडिविजुअल टैब मिलेगा. इफ़ यू वांट टू गो विद लाइक सेबी, तो सेबी का भी इंडिविजुअल टैब आपको यहाँ पे मिल जाएगा. बट एज वी, इफ माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई एंड सेबी, डोंट गो फॉर द इंडिविजुअल प्रोडक्ट. इंडिविजुअल प्रोडक्ट के साथ जाना आपका टाइम वेस्ट करता है, आपका पैसा वेस्ट करता है, बार बार नई चीज़ आपको लेनी पड़ेगी. वट यू कैन डू, यू कैन गो विद द बैंक महापैक प्लस. अच्छा, एनरोल होने का प्रोसेस बताऊंगी वो सेम है हर जगह पे, चाहे किसी बैच में आप एनरोल हो. बट व्हाट इज द बेनिफिट हियर, जब आप महापैक प्लस में जाते हो तो यू विल फाइंड कि सभी लाइव क्लासेस, सभी रिकॉर्डेड क्लासेस, सभी टेस्ट सीरीज, सभी ई बुक्स आपके अवेलेबल हैं. और जो अपकमिंग बैचेस होंगे उनके भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, उनके बैचेस भी आपके अकाउंट में लिंक होते जाएंगे. लेट्स से ओनली एक प्रैक्टिस बैच आता है या एक एडवांस बैच आता है, तो व्हाट वी कैन डू कि वो भी आपके यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे, आपको हर बार अलग से नहीं जाना पड़ेगा. सो डू रीड ऑल द डिटेल्स जो भी यहाँ पे लिखी है बैंक महापैक प्लस में, एंड क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन. जब आप बाय नाउ ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यू विल फाइंड अ प्लेस टू एंटर योर कोड. तो यहाँ पे कोड आप यूज कर सकते हो, यू कैन पुट अ कोड दैट विल बी Y343 एंड क्लिक ऑन द अप्लाई बटन. अप्लाई करोगे यू विल फाइंड 77% डिस्काउंट इज हियर. 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेस करते हो 24/7 एप्लीकेशन से. सो अराउंड 6900 में आपको यहाँ पे सभी रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम, सभी कमर्शियल बैंक्स एग्जाम, सभी इंश्योरेंस एग्जाम की ई बुक्स, आपके टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर. ओके, सो व्हाई यू आर वेटिंग फॉर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर बैच खरीदना है तो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर बैच. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर न्यू टू द चैनल 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ, then do subscribe the channel and press the bell icon ताकि upcoming sessions के notification मिलते रहें. कभी कभी अचानक से भी आ जाते हैं आपके mentors ना सेशन लेने, तो उसका notification मिलता रहे इसलिए आइकन को प्रेस, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना. If you have any doubt you can ask in the comment section. If you need a certain video you can tell in the comment section. Do like the session. If you like the session then do press the like button and also share the session on the multiple telegram channels या फिर WhatsApp group जहाँ पे आपके friends आपके साथ जुड़े हैं. ठीक है, so let's end the session. कल मिलते हैं at the same time 8:15 AM न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ. Thank you all, take care.